सो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, इस क्लास में देखेंगे क्लास ट्वेल्थ राजनीति विज्ञान के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आपका जो तैयारी हो काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छा हो? तो वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए याद कर ले। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखे। तो चलिए एक एक करके सही प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दी, ताकि और भी छात्र छात्राएं जुड़ सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, सही प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं। सो दोस्तों, आप लोग प्रश्न का आंसर जानते हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से हर एक प्रश्न का आंसर कॉमेंट कीजिएगा। सो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपदा का लगाया गया था? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, भारत में किस वर्ष आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपदा का लगाया गया था? नीचे चार ऑप्शन दिया, इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1975 में लगाया गया था। तो दोस्तों, एक का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते, दो नंबर प्रश्न है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? नीचे चार ऑप्शन दिया है, इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो दो का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते, तीन नंबर प्रश्न है, संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित किया गया था? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित किया गया था? इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में पारित किया गया था। तो तीन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते, चार नंबर प्रश्न है, विधि के काल का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी है, डाइसी ने किया। तो दोस्तों, चार का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो पांच नंबर प्रश्न है, किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था? नीचे चार ऑप्शन दिया, इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन बी है, 1953 में गठन हुआ था। तो दोस्तों, पांच का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते, छह नंबर प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी है, खान अबुल गफार खा को जाना जाता है। तो दोस्तों, छः का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सो दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दी, ताकि जो भी स्टूडेंट ये सब्जेक्ट लिए हैं तो वो भी अच्छी तरह से तैयारी कर सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो आपके सामने आई बटन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करके और भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते, सात नंबर है, भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन हम बात कर ले तो इसका राइट आंसर है, ज्योति बसु। तो दोस्तों, सात का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो आठ नंबर प्रश्न कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष और कब हुआ था? यानी कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 1964 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। तो आठ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, नौ नंबर प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन ए है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो नौ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 10 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी है, 2015 में हुआ था। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 11 नंबर प्रश्न है, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, 1972 में हुआ। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 12 नंबर प्रश्न का राय की गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, इंदिरा गांधी ने दिया। तो दोस्तों 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 13 नंबर प्रश्न है चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सुंदरलाल बहुगुणा। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते, 14 नंबर प्रश्न का राय की सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियम हुआ, सॉरी यहाँ पे अधिनियम बल्कि कह रहा है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, 2005 में हुआ। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और सबसे पहले तो वीडियो को एक लाइक कर दे, क्योंकि आप लोग बिल्कुल फ्री में क्लास करें तो एक लाइक तो बनता है। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक बेल आइकन होगा उसको भी दबा के लाइक कर ले ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 15 नंबर प्रश्न है ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, नीचे चार ऑप्शन दिया। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, बेलग्रेड में जो कि आयोजित किया गया। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते, जो 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो डी इसका राइट आंसर है 1991 ईस्वी में जो कि विघटन हुआ। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 18 नंबर प्रश्न है यूरोपीय संघ कब अस्तित्व में आया, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो सी इसका राइट आंसर है 1993 ईस्वी में जो कि अस्तित्व में आया। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 19 नंबर प्रश्न है साकर का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है काठमांडू। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो नीचे चार ऑप्शन दिया है। आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो जल्दी से बताइए कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है काशीराम। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों आपको हम बता दें इस वीडियो में यानी कि इस क्लास में राजनीतिक विज्ञान के कुल यहाँ पे 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही से नीचे कमेंट करें, वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करें। उम्मीद करती है वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर दे, साथ में चैनल पे नए हो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। सो दोस्तों इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा गूगल पे, ठीक है। कहाँ आपको आना है तो आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है या आपको गूगल पे आ जाना है, ठीक है। आ जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है हेल्प इन ऑनलाइन, इतना टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे सर्च कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे एक थ्री डॉट का ऑप्शन दिखेगा या तीर का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से डेस्कटॉप साइड कर लेना है। जैसे यहाँ पे कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो आप लोग URL जो होता है ये आप सही से देख लीजिएगा, इसके बाद इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे थ्री रेकरिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टडी मटेरियल, आपको क्या करना है इस प्लस वाले आइकन पे या इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2023, आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार आएगा, तो इसे कट कर देना है। उसके बाद आपके सामने
कुछ अलग इंटरफेस देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार, जो कि आप लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है दोस्तों, आपको बता दें कि यदि अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस जगह पर आपको सभी विषय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सभी विषय का सब्जेक्टिव प्रश्न, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और ऑनलाइन टेस्ट आपको आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। यानी कि ये सब यहाँ पे जो कि व्यवस्था आपको जो कि अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख से बताया गया कि जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर यहीं पर ऑनलाइन के माध्यम से अच्छी तरह से तैयारी भी कर सकते हैं। यदि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो तैयारी हो काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छा हो, तो यहाँ दिए गए सभी विषय का प्रश्न अच्छी तरह से याद कर ले, ताकि आप सभी छात्र छात्राओं तैयारी करके बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सके। तो नीचे यहाँ पे देख सकते हैं जो कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे जो भी साइंस के सब्जेक्ट होता है उसका यहाँ पे देखने को, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो पीडीएफ है वह ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मॉडल पेपर ऑनलाइन, यानी कि सारी सुविधा अच्छी तरह से दी गई है। आप लोग विजिट कीजिए, क्लिक कीजिए, इसे डाउनलोड कर लीजिए या यहीं पर आप पढ़ सकते हैं। और आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी देख सकते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि आपका जो तैयारी है वह कैसा है। तो आपको बता दे इस वीडियो में यही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, ताकि उसी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।